जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेटर। तो क्या आप लोगों ने भी फ्लिक्स बस के बारे में सुना है, जो कि इस टाइम इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो रही है उसके प्राइजेस की वजह से, जिसका प्राइस है सिर्फ 99 रुपीज। वो बेसिकली आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे ले जाती है सिर्फ 99 रुपीज में। तो चलो यार जल्दी से अब हम देखते हैं कि ये बस सच में इतनी बढ़िया है या फिर कोई स्कैम ही है। तो बेसिकली यार मैं जा रही हूँ दिल्ली टू हरिद्वार, तो उसके लिए मैंने बस बुक की है फ्लिक्स बस, जिसका प्राइस मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज। तो अब फटाफट से हमें लेनी है अपनी बस कश्मीरी गेट से। कश्मीरी गेट जाते हैं, वहां से अपनी बस जो है हम बोर्ड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो बस अंदर से कैसी है। तो चलो जल्दी से कश्मीरी गेट, सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, तो आपको मैं पूरी डिटेल्स दिखाऊंगी कि फ्लिक्स बस कैसी दिखती है। तो ब्लॉग में बने रहना, बाय बाय। तो यार फाइनली अब मैं निकल जाती हूँ कश्मीरी गेट बस स्टैंड की ओर, और यार दिल में बहुत ज्यादा धक-धक हो रही थी कि कहीं कोई स्कैम ना हो जाए या फिर फ्रॉड ना हो जाए। पर कश्मीरी गेट पहुंच के वहां पर मुझे बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते हैं फ्लिक्स बस के। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं इनके लाउंज एरिया में, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था, एकदम नियॉन ग्रीन कलर की इसकी लाइट्स। और अंदर जाके यार देखा मैंने कि बहुत अच्छी खासी स्पेस दी हुई है और मस्त एसी वगैरह भी चल रहा था। बहुत ही यूनिक और काफी अच्छा आइडिया है कि अगर आपकी बस थोड़ी सी डिले है या आप अगर थोड़ा सा ज्यादा जल्दी आ गए हो तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हो मस्त अंदर एसी में। और यार यहाँ पर मस्त एक टीवी भी लगा हुआ है जिसके अंदर सारी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइडेड है कि आपकी बस कितनी देर में आएगी और या फिर लोकेशन पे पहुंची है नहीं पहुंची। फिर फाइनली यार लाउंज में से निकलने के बाद मैं चली गई थी अपने बस के पास, जो कि हमें भैया ने ही इन्फॉर्म किया था कि आपकी बस आ चुकी है बाहर की साइड, आप जा सकते हो। और यार यहाँ जाके देखी मैंने मस्त चमचमाती हुई बस, और यहाँ पर ये अंकल टिकट्स वगैरह चेक कर रहे थे। फिर फाइनली अंकल्स को टिकट वगैरह चेक कराई, उसके बाद जैसे हम अंदर गए ना यार, तो बस तो यार बहुत ज़्यादा मस्त लग रही थी, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लग रही थी, और इसका कलर यार सच में बहुत ज़्यादा प्रीटी है और बस एकदम ही न्यू है और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा खासा स्पेस दे रखा है इसके अंदर, और सीट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मेरे को तो मज़ा आ गया। और भाई लिटरली जब फिर इसकी लाइट्स जली ना तो मेरी तो आंखें खुली रह गई, इतनी प्यारी बस लग रही थी एकदम न्यू, और इसकी लाइट्स बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और भाई अंदर मस्त ठंडा ठंडा एसी चल रखा था, फिर कुछ बसेस में ऐसा होता है कि उनकी उनका एसी वगैरह चलता है नहीं चलता, पर यहाँ पर भाई मस्त एसी वगैरह चल रहा था। और अंदर वहाँ पर सुपरवाइजर्स भैया भी थे जो कि आपको हर एक चीज़ में गाइड कर रहे थे, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मतलब अगर आपको एसी कम करना है बढ़ाना है जो भी करना है, तो वो हर चीज़ में हेल्प कर रहे थे। फिर अंदर पहुँच कर सबसे पहले हमें ये पानी की बॉटल मिली, जो कि आप अनलिमिटेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमने तो एक ही की बॉटल ली। उसके बाद यार फाइनली हमारी बस चलने लगती है, और थोड़ी बहुत देर हमारी बस जैसी चलती है 3-4 घंटे, उसके बाद एक जगह रुकती है जो कि ढाबा तो नहीं बोल सकते, काफ़ी अच्छी जगह पर हमारी बस रुकी थी, प्रॉपर रेस्टोरेंट काइंड ऑफ जगह थी, जहाँ पर आपको फ्रेश वगैरह होना है तो आप हो सकते हो, अगर आपको खाना वगैरह भी कुछ खाना है तो आप खा सकते हो। तो फटाफट से हमने यार छोटी मोटी सी चीज़ें चिप्स कुरकुरे वगैरह तो खा लिए थे, अच्छे से हम फ्रेश वगैरह हो गए थे। तो यार मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने काफ़ी अच्छी जगह पर बस वगैरह रोकी है, अगर किसी को फ्रेश वगैरह होना है या फिर जो भी चीज़ है। तो यार बेसिकली दिल्ली से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी यार 10:30-11 बजे करीब, और बस ने हमें सुबह 3:30-4 बजे करीब हरिद्वार में उतार दिया था। और यार बस का जो मेरा सफ़र था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी, सिर्फ 99 रुपीज़ में बस हमें लेके आई है, जेन्युइनली यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो फाइनली यार व्लॉग को आप जल्दी से एंड करते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।